हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब डिफाइन पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आर नाउन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन या तो किसी एलिमेंट के साथ ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ऐसे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब जैसे कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कॉपर के साथ जब हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड अप हो गई। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है यानी कि ऐड हो जाती है, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कोई भी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में हुआ, कॉपर के साथ जब हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड अप हो गई। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ जाती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, इसकी एक और कंडीशन है। या तो ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अब डिफाइन पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड आर नाउन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव्ड हो जाए और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाए। और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये हो रहा था कि ऑक्सीजन जो थी वो ऐड अप हो रही थी और हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड अप होती है। अब इसका भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तब रिएक्शन के बाद कॉपर के अंदर से, कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन हट जाती है और सिर्फ कॉपर रह जाता है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड पे देख रहे होंगे। और हाइड्रोजन जो कि अकेला था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड अप हो गई और क्या हुआ, वाटर बन गया। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, जैसे कि इसमें हुई, कॉपर के साथ पहले ऑक्साइड थी, कॉपर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन पहले कॉपर के साथ थी, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन के अंदर जाकर जुड़ गई। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट जाती हो वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। और वो रिएक्शन जिनके अंदर ये दोनों ही रिएक्शन होते हों, रिडक्शन रिएक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता हो, यानी कि ऑक्सीजन हटती भी हो हाइड्रोजन जुड़ती भी हो, वो दोनों ही रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। अब इसको हम नीचे समझ लेते हैं यही एग्जांपल को लेकर। देखिए, रिएक्शन से पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी जो कि हमारा कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ, लेकिन इसमें एक और रिएक्शन हुआ। रिएक्शन से पहले आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन अकेला था, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कि ऑक्सीजन ऐड अप हुई। और जहाँ ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ ऐड होती है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो, वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए। Yeah.